तो अगर आप शराब लेके आते तो यहाँ चढ़ाना, माथों को मत दे देना। किसी को DIY वीडियो बनानी है, हाउ टू फिट कुर्ता इन 1 मिनट, समृद्धि बनाएगी ये वीडियो। ऐसे डाला, टी शर्ट उतारी, पहन लिया। अभी बाइक पे सारा सामान रख दिया है, टैंक बैग, सैडल बैग्स और पीछे एक पिट्ठू का बैग। हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। मी एंड समृद्धि आर इन ज्वालाजी, ज्वालामुखी एक्चुअली। हाँ। जो जगह का नाम है ज्वालामुखी, विच इज़ इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कल हमने आपको ज्वालाजी के दर्शन कराए, हम यहाँ रुके थे। ये डोगरा गेस्ट हाउस है ना? हाँ, तो ये डोगरा गेस्ट हाउस में हम रुके थे, बहुत ही लेजिटिमेट है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। जो नीचे रेट्स हैं वो नीचे यहाँ कैप्शन में दिख रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और साथ में ही होटल है, तो आप कुछ भी खाना वाना खा सकते हो। हमने सुबह ब्रेकफास्ट चाय वगैरह वहीं पी है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि मंदिर नहीं जाके सीधा मैक्लोडगंज जाए, बिकॉज फाइनल टारगेट हमारा मैक्लोडगंज ही था। मैक्लोडगंज अच्छे 2 दिन अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें, धर्मशाला में है। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी आपको रास्ते में हम थोड़ा और भी प्लानिंग करेंगे, फिर देखते क्या होता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11, आज थोड़ा हम लेट हो गए। लेट होने की वजह से, बिकॉज ये मैडम उठती नहीं है, बहुत सोती है ये। क्यों नहीं उठती है यार? मुझे एक बात बताओ, ट्रिप में आके कोई सो कैसे सकता है? मैं यार देखो मेरी बात, लद्दाख कैसे, लद्दाख में भी सो रही थी, यहाँ भी सो रही है। मेरे को तो नींद आती है, नींद तो पूरी होनी चाहिए था। ये देखो इसको घर पे ना, आजकल आजकल क्या ना, हमने घर पे ना, मतलब जब पिछले 4-5 दिन से हमने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली 6:30-7, तो उससे वो नींद अभी तक झोंके लग रहे हैं। चामुंडा, ब्रजेश्वरी, बगला, इन्हीं तीनों में जाना ना हमने, है ना? यहाँ से बगला मुखी 12, ब्रजेश्वरी 36। हम यहाँ से एक्चुअली हम इधर चले गए। तो हम लोग अभी बगला मुखी मंदिर में पहुँच गए हैं। समृद्धि अभी लाइन में है, तो मैं जेंट्स की लाइन खाली थी तो मैं अंदर आ गया हूँ। काफ़ी अच्छा मंदिर है, हमने सामान जो बाहर किसी दुकान में रखवा दिया है, बड़ी मुश्किल से मैनेज करके हम लोग बाइक से। ये चुन्नी निकाली इसने ताकि मंदिर में आए, चुन्नी वुन्नी तो चलोनी चाहिए अपने सिर में। बाइक हमने बाहर रखी है ऐसे सामान के साथ, और भैया को बोला है 100 रुपये का प्रसाद ले लिया, सो दैट रहे कि हम आ जाएंगे, पैसे भी देने हैं उसको। आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मोस्टली लोग येलो रंग पहनते हैं, पीला, और जो चढ़ावा भी चढ़ता है वो पीला चढ़ता है। और हमने लिए बेसन के लड्डू, वो भी पीला है, मतलब मोस्टली पीला, पीली चीज़ ही चढ़ती है, और सब कुछ पीला पीला दिख रहा है, और बहुत सारे लोगों ने ऐसे पीले कपड़े भी पहने हुए हैं। बहुत सही जगह है, बहुत सही। जब भी आप इस साइड आओ, कांगड़ा वाली साइड, तो ज़रूर दर्शन करके जाना चाहिए। सामान का एक इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर राइडर्स। ये क्यों चढ़ाते हैं? शराब है? हिमाचल में चढ़ाते होंगे लोग। भैरव बाबा को शराब चढ़ाई जाती है यहाँ पर, हमने भी देखा, हमने लगा ये क्या हो रहा है। मुझे, मैंने इसको बोला तेल है, कहती नहीं नहीं। फिर मैंने पूछा तो कहते शराब ही चढ़ाते हैं भैरव बाबा को। तो अगर आप शराब लेके आते तो यहाँ चढ़ाना, माथों को मत दे देना, माता को मत दे देना। चल, तो दर्शन हो गए हमें, काफ़ी दर्शन काफ़ी अच्छे हुए, बट कैमराज आर नॉट अलाउड इन साइड, यू कैन नॉट क्लिक फोटोज। यहाँ पे हवन भी चल रहा है।
सुंदर है, अच्छी जगह है। और ये आज रात के 9 बजे तक खुला रहता है मंदिर, और सुबह भी खुल जाता है 5-6 बजे। सो आप आ सकते हो, विंटर्स आर गुड टाइम टू विजिट हेयर। विंटर्स इसीलिए बिकॉज गर्मी में ये जो फर्श है नीचे जहाँ हम खड़े हैं अभी, ये पूरा जलेगा, तो नंगे पैर हो तो इसीलिए। और मौसम काफ़ी अच्छा है इस टाइम। तो यहाँ सब येलो येलो है, बगला मुखी जी के मंदिर के सामने सामने नहीं अंदर भी। चलो हो गए दर्शन, नेक्स्ट टेंपल देखते हैं होता ही नहीं, बज्रेश्वरी। लाइट इधर थी, लेट्स गो। ऑलराइट, सो बगला मुखी के दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं श्री बज्रेश्वरी टेम्पल। और हर जगह टेम्पल में चलना पड़ रहा है, वो तो चलो नेचुरल सी बात है, चलना पड़ता है। पूरा देख जाएगा ना मेरे को। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि हम कैसे ड्रेस्ड अप होते हैं। आज तो मैंने सारी हदें पार कर दी। स्मृति ने जैकेट को उतारी और ऊपर कुर्ता पहन लिया। क्यों गिरा रही है? ट्रिप का हमारा ये 4th मंदिर है बज्रेश्वरी जी का, और दिस इज़ द शक्ति पीठ नॉट सिद्ध पीठ। जो हमने लास्ट मंदिर किया बगलामुखी वो सिद्ध पीठ था, और ये शक्ति पीठ है। सो 3 शक्ति पीठ 1 सिद्ध पीठ। ऐसे चामुंडा देवी का भी सोचा था, बट चामुंडा देवी का अभी हम सोच रहे हैं कि अभी लेट हो जाएंगे और फिर हमें मैकलोडगंज भी पहुँचना। हाँ, वो थोड़ा टर्न करके है मंदिर। हाँ, मतलब ऑन द वे नहीं है ये, ऑन द वे थे दोनों, तो अब ये वाले कर लिए। तो टोटल 4 सोचे थे, 4 हो ही गए। इसके बाद जाएंगे सीधा मैकलोडगंज, अभी इसके बाद लंच करेंगे, इसके बाद मैकलोडगंज, है ना। चल ये माता के चरणों से सुबह दिलाते हैं ना। अच्छा अच्छा, सही। अंदर से, अंदर से चरण अमृत यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पे माता के चरणों का अमृत है जो अंदर मंदिर से आ रहा है। तो अगर आपको श्रद्धा हो तो अब यहाँ से लिखा भी है चरण अमृत यहाँ से गेट से निकलते हैं। ये एग्जिट है ना टॉप। अभी मंदिर में ना रेनोवेशन का काम चल रहा है, वो यू कैन सी, बट दर्शन अच्छे होते हैं और अच्छे दिख रहा है। 18 भुजा देवी। ओवरऑल हमने अभी 4 मंदिर के दर्शन किए। सबसे कम रश हमें बज्रेश्वरी में मिला। सबसे कम रश, सबसे ज्यादा रश था चिंतपूर्णी में। चिंतपूर्णी में, चिंतपूर्णी ज्वाला जी सिमिलर, बगलामुखी में थोड़ा रश था, बट यहाँ तो बहुत ही कम है। इवन संडे है, लाइन तो बिल्कुल ही छोटी सी है यहाँ पर। निकलते हैं यहाँ से, प्रसाद हमने लिया, 2 प्रसाद मिल गए। एक्चुअली मुझे भी मिल गया, मैंने तो चढ़ाया भी नहीं। मैंने कहा पंडित जी मेरा नहीं, कहते नहीं नहीं ले जाओ आप आयो दूर से। स्मृति को फिर से कुछ मिला है झोली में। चलो यहाँ से निकलते हैं।
तो हम लोग चामुंडा देवी मंदिर पहुंच गए हैं आज। सरप्राइजिंगली हमने 3 मंदिर कर दिए, जबकि हमने एक भी नहीं सोचा था स्टार्टिंग में। मेरी वजह से, स्मृति की वजह से। ऐसा ऐसे क्यों? मैंने बोला था जाने भाई। अच्छा, ये वाला तो मैंने बोला था जाने, ये वाला आपने बोला पहले तो। चामुंडा देवी आई थिंक ये भी आई थिंक क्या ये शक्तिपीठ ही है 51 में से। तो 4 शक्तिपीठ थे, ये 4th वन हम कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये काली माता का मंदिर है तो बहुत फेमस है मैंने सुना, बट आज रश नहीं है। चामुंडा काल का ही उनका ही रूप है। चलो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको ये मंदिर कैसा है। ये एंट्री है जो कि धूप में कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे रखी है हमने इधर बाइक, यहाँ थोड़ा सा मार्केट है छोटी सी, और ये हमने लिया है प्रसाद, और ये एंट्री। चलो गाइस, प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर, कमेंट जरूर करना, और जय माता दी तो पक्का लिख देना। आपको हमने 3 दर्शन कराए पिछले व्लॉग्स में, आपको ज्वाला जी और चिंतपूर्णी के भी दर्शन कराए। व्लॉग्स में ज़्यादा रूट इसीलिए नहीं बताया था कि आप बोर ना हो, तो आपके रूट के अकॉर्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप उसको कमेंट में बता देना, हम बता देंगे। तो बज्रेश्वरी से चामुंडा का जो डिस्टेंस है दैट इज 22 किलोमीटर्स, हमें लगे ऑलमोस्ट 40 मिनट, बिकॉज पहाड़ी एरिया तो टाइम लगता है। और इसके बाद हम निकलेंगे मैक्लोडगंज। स्मृति ने फिर से कुर्ता लगा लिया, ये सबसे फास्ट है कुर्ता लगाने में। तो अगर किसी को DIY वीडियो बनानी है, हाउ टू फिट कुर्ता इन 1 मिनट, स्मृति बनाएगी ये वीडियो। ऐसे डाला, टी शर्ट उतारी, पहन लिया। ये बता सकती हूँ कि बाइक राइड के टाइम के बाद हम मंदिर कैसे दर्शन कर सकते हैं, वो भी इंडियन स्टाइल। और देखो, मैंने तो इतना, मैंने कहा यार मैं कहाँ राइडिंग जैकेट में, बाल देखो चिपक गए। क्या हुआ? लोग हंस रहे होंगे, नीचे राइडिंग शूज, कार्गो और ऊपर कुर्ता और चुन्नी। ये अलग जुगाड़ इंडियंस के। प्रशांत, ये भगवान, क्या तालाब भी है यार। गाइस, ये है एंट्री मंदिर की, मेन एंट्री। शाम में वही 6-7 आरती ना, तो सारी शक्ति पीठ में आरती टाइम सेम है, और सुबह 5 बजे खुलते हैं। ये ज़्यादा बड़ा है मंदिर है। हाँ, एरिया देख रहे हो कितना बड़ा एरिया। तो यहाँ भीड़ वाला वैसे कुछ दिखे ना आज संडे, बट भीड़ है नहीं।